हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम टैबलेट बैंडे प्लस के बारे में। गाइस, बैंडे प्लस मार्केट में कई ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि एल्बेन प्लस जो कि एम्बिट बायो की आती है, और एक आती है नोवम प्लस जो कि एल्केम कंपनी की आती है, और बैंडे प्लस मैनकाइंड कंपनी की आती है। गाइस, बैंडे प्लस किस प्रकार के मरीजों में दी जाती है और किस प्रकार के मरीजों में इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होती है, प्लस ड्रग इंटरेक्शन इसका क्या होता है, ये सब जानेंगे आज हम। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। बेंडे प्लस गाइस दो प्रकार के साल्ट से बनी होती है। नंबर एक आइवरमेक्टिन जो 6 mg होता है, प्लस अल्बेंडाजोल जो कि 400 mg होता है। मार्केट में एक टेबलेट और आती है बेंडे प्लस के नाम से, जिसके अंदर आइवरमेक्टिन 12 mg होता है, प्लस अल्बेंडाजोल 400 mg ही होता है। गाइस, आइवरमेक्टिन टेबलेट वर्म की मसल्स प्लस नर्व सेल से जुड़कर वर्म को पैरालाइज करती है और मार डालती है, और अल्बेंडाजोल वर्म को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिसकी वजह से वर्म का ग्लूकोज लेवल एनर्जी लॉस होती है और वो मर जाता है। गाइस, बेंडे प्लस एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, इसको एंथेलमिंटिक ग्रुप में रखा गया है। अब जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ इसका पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि न्यूरोसिस्टिक एरकोसिस वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, प्लस राउंड वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, टैब वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, इसी प्रकार के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, प्लस फंगल इन्फेक्शन में इसके भी इसकी प्रॉब्लम होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट में कीड़े होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं गाइस इसकी डोज के बारे में। गाइस, डोज इसकी एक गोली हफ्ते में 3 से 4 हफ्ते तक दी जा सकती है, या फिर मरीज को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक गोली हर तीसरे दिन भी दी जा सकती है, या फिर ज़्यादा दिक्कत होने पर एक गोली पर डे 3 दिन तक भी दी जा सकती है। गाइस, इस गोली को चबाकर तेज मीठे के दूध के साथ खाली पेट अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। गाइस, अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। गाइस, साइड इफेक्ट इसके जैसे कि सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, हुक्काइयाँ लग सकती हैं, उल्टी भी आ सकती हैं। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटर रिएक्शन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। इसका ड्रग इंटर रिएक्शन जैसे कि कोर्टिकोस्टेराइड के साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन बताया गया है, एंटी अस्थमा ड्रग के साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन बताया गया है, प्लस एंटासिड ड्रग्स के साथ भी इसका इंटर रिएक्शन बताया गया है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।